हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर पंडित शॉर्ट्स। ये 7 डेज का ट्रायल है जिसमें हमको मुझे जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर मैं कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं, तीनों मार्केटिंग से रिलेटेड थे। अब आज का जो क्वेश्चन है ये बिजनेस एक्सपांशन से रिलेटेड है कि हम बिजनेस जब एक्सपांड करते हैं तो क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमारी ट्रिक एंड टिप्स होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन उनका था कि जो ईपीसी कर रहे हैं और अब बिजनेस कहाँ एक्सपांड करें, बट मैं आंसर जो है वो थोड़ा सभी के हिसाब से दूंगा। ओके, ये 7 डेज का जो शॉर्ट्स का सेशन चालू है इसमें अगर आपके क्वेश्चंस रेगुलर आते रहे तो हम इसको साल भर का करेंगे, प्रोवाइडेड आपके क्वेश्चंस रेगुलर आते रहने चाहिए। आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं हमको, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, तो प्रोबेबली ये 7 दिन के बाद हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो या नीचे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, सो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हम हमारा सोलर का बिजनेस एक्सपांड कैसे करें, ग्रो कैसे करें। सो अब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप कंसल्टेंसी कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, आप ईपीसी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रहे हो। एक तो यह है कि आपके ही वर्टिकल में आप नेक्स्ट लेवल चले जाओ। जैसे आप कंसल्टेंसी कर रहे हो तो पर्टिकुलर कोई सिटी का, स्टेट का कर रहे हो तो दूसरे आजू बाजू के स्टेट्स में चले जाओ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचिंग का काम कर रहे हो तो आप ऑनलाइन चले जाओ, और नेशनल सिखा रहे हो तो इंटरनेशनल चले जाओ, और स्टेट वाइज सिखा रहे हो तो नेशनल पे चले जाओ या आजू बाजू के स्टेट्स पे चले जाओ। ये एक रास्ता है कि आप ही की लाइन में आप ग्रो करो। जैसे आप ईपीसी कर रहे हो तो एक सिटी में कर रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाओ, तीसरी सिटी में चले जाओ, 10-12 सिटीज में चले जाओ, थोड़ा 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 करके अपना एक्सपेंशन करो। ऑब्वियसली हर एक के चैलेंजेस अलग है और ये 3-4 मिनट के वीडियो में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इसका एक दूसरा रास्ता भी है। अगर आपको सिटीज या स्टेट्स या नेशंस क्रॉस नहीं करने हैं तो आप उसी सिटी में आपका विंग बदल लो। जैसे अगर आप ईपीसी कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, आप डीलरशिप में चले जाओ, आप डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ। आप अगर कंसल्टेंसी कर रहे हो तो आप ईपीसी में आ जाओ, आप कंसल्टेंसी कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, आप कंसल्टेंसी कर रहे हो तो आप डीलरशिप में चले जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ। इसको बोलते हैं क्रॉस बिजनेस। मैकडोनल्ड्स ऐसे ही करता है, जिसको बर्गर लेने आता है उसको साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर कर देता है। तो जैसे कोई कंसल्टेंसी करने आता है आप उसको बोल सकते हो कि सर इसमें से ये मटेरियल हम सेल करते हैं, या फिर आप समझो एक्सेसरीज के डीलर हो, तो एक्सेसरीज के डीलर हो तो वहां से आप कहाँ कहाँ एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे आप अर्थिंग बेचते हो, सिर्फ अर्थिंग का मटेरियल बेचते हो फॉर एग्जांपल, तो आप अर्थिंग के मटेरियल की कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो, अर्थिंग के मटेरियल की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप समझो डीसीडीबी मैन्युफैक्चर करते हो सिर्फ, तो आप डीसीडीबी के ट्रेनिंग्स क्या कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा, इन्वर्टर से कैसे जोड़ना है, इन्वर्टर के अलग अलग टाइप के हिसाब से डीसीडीबी का अलग अलग टाइप को कैसे जोड़ा जाएगा। अभी स्पेशली जो ट्रीना के पैनल्स आ रहे हैं उसमें 540 वॉट पिक के आ रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने में। तो एक डीसीडीबी एक रास्ता है उसको स्ट्रीमलाइन करने को। ऐसे बहुत सारे आप इधर उधर एक्सपांड, मतलब क्रॉस एक्सपेंशन आप जरूर जरूर सोच सकते हो। अब एक्सपेंशन करना कैसे है ये आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप सपोज आप फ्रीलांसिंग हो, आपको कुछ भी नहीं आता, हम एकदम बेसिक वाले की बात करें, आप फ्रीलांसिंग करते हो आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपका बिजनेस जो ग्रो कर रहा है तभी आप अगले एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, राइट। तो अब आप फ्रीलांसिंग करते करते आपको रियलाइज हुआ कि यार अब ये 4 चीजें मैं सीख गया हूँ, जैसे परचेस करना शायद सीख गए हो, या आप इलेक्ट्रिक फिर जो केबल इंस्टॉलेशन है वो सीख गए हो, स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग सीख गए हो, कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही हो हर प्रोजेक्ट से, तो वो काम खुद पे लेना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ और एक्सपेंशन का प्लान है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, रिलेवेंट लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि इससे आपका भी फायदा हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछते जाइए। मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है इस चैनल के साथ। मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ और जेन्युइन काम करना चाहता हूँ, बस इसी वजह से इस चैनल को मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, ये सारी की सारी सर्विसेज फ्री में है, आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को फ्री में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। तो आप
ये सारी सर्विसेज को फायदा उठाइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछिए, तो हम ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करेंगे। 50% आज कंप्लीट हो चुका है सेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।